महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर तालाब के पास। आपको बता दें यहाँ पर छठ पर्व पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भोजपुरी सिंगर अलका झा यहाँ पर पहुंची थी। आपको बता दें कि ये पहला मरतबा मुमरा में ऐसा है, इतने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर छठ पूजा के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम पहले भोजपुरी सिंगर जो अलका झा है उनसे बात करेंगे कि वो पहली बार मुमरा शहर में आई है, आपको कैसा लग रहा है छठ पर्व यहाँ पर जिस तरह से मनाया गया। यहाँ पर छठ पर्व होता था वैसे, लेकिन इतना चर्चा में नहीं होता था, लेकिन पिछले दो सालों से ये छठ पर्व यहाँ पर बहुत चर्चे में आया। इस बार जो काफी ज्यादा चर्चा हुई और आप भोजपुरी सिंगर हैं, आपको भी यहाँ पर बुलाया गया, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सच बताऊं तो बहुत मजा आया क्योंकि हम लोग शो तो हर जगह हर बार करने जाते हैं, लेकिन फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि मतलब जैसे हमारी रिदा जी ने बोला कि जय श्री राम बोलेगा जो गाना मैंने लास्ट में जो हुआ, तो वो मैंने ऐसा मैंने भी कभी नहीं गाया था, मतलब क्योंकि इतना जैसे सपोर्टिंग ऑडियंस वो जल्दी नहीं मिलती, तो आज वो बहुत मतलब बहुत मजा आया। मतलब वो लग रहा था कि वो लाइन बार बार गाऊं और बार बार जय श्री राम बोलूं जय श्री राम बोलूं, तो बहुत मजा आया। ऑडियंस के साथ आप भी काफी एंजॉय कर रही थी और सपोर्ट मिलता है तो हमको भी लगता है कि अच्छा ये चीज अच्छी हो रही है, तो अच्छे के साथ फिर और भी अच्छा होने लगता है। छठ पर्व के लेकर बड़ी मान्यताएं हैं, आपने बहुत सारे जो है छठ पर्व को लेकर गाने भी गाए हैं, एक आपकी आने वाली जो शायद फिल्म भी रिलीज हो गई है और उसमें भी छठ पर्व के ऊपर ही एक गाना जो है। जी बिल्कुल, बोल रहा था बोल मेरी खेसारी लाल जी की फिल्म है, खेसारी लाल यादव जी की, उसमें मेरे दो सॉन्ग हैं बट एक आइटम नंबर है तो उसको आदमी नहीं बोलता है थोड़ा सा, लेकिन एक छठ का भी सॉन्ग है मेरा और उन खेसारी जी का डुएट सॉन्ग है, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो काफी अच्छा लगता है। जो छठ सॉन्ग है उसमें वो थोड़ा सा आप गाकर सुना सकते? बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल है, हमेशा आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड, तो ओरिजिनल सॉन्ग ये है। बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए बनले साजन जी को हरिया दौरा घटे पहुँचाए दौरा घटे पहुँचाए। बहुत ही खूबसूरत ये सॉन्ग था छठ पर्व पर। हम रीदा मैडम से बात करेंगे, जिस तरह से हम राजन भाई भी मौजूद है उनसे बात करेंगे, छठ पर्व पर जिस तरह से मुमरा पहुंची है अलका झा और इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दी। हमारे सूरज भगवान की मुंह बोली बहन छठ मैया, ये छठ पर्व का आज यहाँ पर बहुत बड़ा आशिया वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमारी बहन रिदा रशीद मैडम ने ये आज यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया, उसके लिए मैं पहले उनका अभिनंदन करता हूं और खास करके उन्होंने ये जो आज हमारी बहन अलका झा को यहां पर बुला के छठ पर्व पर यहां पर लोगों को आज एक मनोरंजन किया और उनको जो छठ मैया की जो कुछ गीत है वो उन्होंने अपने आवाज में यहां पर सुनवाए और हमारे पूरे जो उत्तर भारतीय बिहारी है झारखंड वाले है ये सब हमारे जो भाई बहन है, मैं समझता हूँ कि छठ पर्व हमारी माता बहने जो 36 घंटे का व्रत रखती है और इस आज के छठ पर्व पर वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है शाम के और फिर कल सुबह में अर्घ्य देकर वो अपना व्रत छोड़ेंगी। मैं उन तमाम मेरी माता बहनों को और सभी छठ पूजा में जो शामिल होते उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस छठ पर्व की, हम सभी भाई बहनों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और खास करके मैं रिदा रशीद मैडम का जो उन्होंने अपने
बहुत संघर्ष के बाद भी आज यहाँ पर उन्होंने जो ये प्रोग्राम कराया, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। एक महिला होने के बाद भी उन्होंने इतना तकलीफ के बाद भी ये जो खड़े निखरे है, उनका मैं भी अभिनंदन भी करता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि काफी कठिनाई आई है, उसके बावजूद भी आपका ये कार्यक्रम हुआ और सक्सेसफुल हुआ। सभी का धन्यवाद बोलूंगी। पहला तो अलका जी, आप आज आई यहाँ पर, बहुत अच्छी भक्ति के अपने गाने गाए और सभी हमारी जो भक्त है उनको अच्छे अच्छे गाने आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दादा आए, दादा हमेशा सपोर्ट के लिए रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब सपोर्ट के लिए कोई आता है, हमें सपोर्ट करता है। प्रोग्राम तो देखो बड़े से बड़ा होता है लेकिन सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो दादा का हमेशा सपोर्ट रहता है। वैसे ही हमारे बड़े भाई भी और आए हैं, हमारे जैसे रमेश भाई आए हैं, मोरेश भाई आए हैं। ये क्या होता है, पूरा चीज आज जो 15 दिन के संघर्ष के बाद अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, प्रोग्राम हो चुका है, तो बस उसकी मैं बता श्रेय पूरा हमारे दादा को भी जाता है उसका, क्योंकि दिन बे दिन जो हो रहा था, जो चल रहा था, एक एक नुस्खे आजमाए जा रहे थे, ये गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, लास्ट में बैनर का था, उसके बाद मतलब कोई चीज ऐसी नहीं छूटी है कि ये प्रोग्राम होने नहीं देना है, ये प्रोग्राम किसकी के लिए भी नहीं होने देना है। ये प्रोग्राम पे फिर ऐसा ही था, पुराना तालाव था, तालाव पे आके अरे वो भक्त तो चले जाते थे, तुझे ये करने की क्या जरूरत है, ये भी वर्ड मुझे बोला गया है। और जिस दिन अगर किसी ने बोला, हमने बोला नहीं, भारी पड़ेगा, अरे क्या जरूरत थी तुझे करने की, बस आते थे करते थे चले जाते थे, तुझे कोई जरूरत नहीं थी करने की। लेकिन वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, कोरोना के बाद में पूरे देश में सभी प्रोग्राम इतने अच्छे से सेलिब्रेशन हुए, तो मैंने सोचा छठ पूजा भी पूरे अपने देश में होता है, मुंबई में तो काफी काफी बड़े में होता है, तो मैंने सोचा मुमरा में क्यों नहीं। और मुमरा में आपने देखा हजारों बहनें जो हमारी पूजा करती है या उपवास करती है, तो मैंने इस बार सोच लिया था कि इस बार प्रोग्राम होगा और इन लोगों के साथ के बिना मैं नहीं कर पाती, इनका साथ रहा और सभी का साथ रहा। सभी के साथ में मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगी, टीएमसी का धन्यवाद करूंगी, फायर का धन्यवाद करूंगी, लोकल जितने भी भक्त है उनका धन्यवाद करूंगी, मीडिया खास करके, मीडिया ने बहुत साथ दिया मुझे। अगर मेरा संघर्ष बिल्कुल ट्रस्ट के बिना, मैंने मेरा बैनर नहीं लगाया, मैंने उनके तरफ से भक्तों का स्वागत किया। मतलब सोचिए बैनर पे जो राजनीति हुई है यहाँ पर, बहुत गंदी राजनीति है, तो मंदिर का जो ट्रस्ट है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और जितने भी भक्त है, मेरा ऑफिस स्टाफ हो या फिर मतलब जहां तक के मैं देखूं वहां तक मुझे मदद थी इस बार, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग, और आप लोग ने जो गली गली घर घर जो 15 दिन का मेरा पूरा पूरा संघर्ष पहुंचाया, देखिए मैं संघर्ष बोल रही हूँ जीवन का, बैनर वाला नहीं, किसी का नाम नहीं है, ये जीवन का संघर्ष की बात कर रही हूँ। तो जो आप लोग ने घर घर पहुंचाया, आपने सभी को बताया कि क्या कर रही है रीदा रशीद, आज मुझे बताना नहीं पड़ा, तो ये सभी का धन्यवाद। और प्रोग्राम फाइनली मेरा, आपको ये कहना चाहिए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कभी भी हार नहीं होती है। और ये तो मतलब दुनिया जहान जानती है कि आप जिस चीज के लिए डट जाओ, तो लोग कहते हैं ना कि अभी आप दिल से कोशिश करने के लिए तैयार हो जानो तो पूरी दुनिया कायनात तैयार हो जाती है आपके पीछे सपोर्ट के लिए, तो वो आपने किया है तो सब पीछे लगे तो और सक्सेस हो गया। और इसके लिए छठी मैया की, तो एक छठी मैया की एक खूबसूरत का गीत दो लफ्ज में आप सुना दी। नहीं, मैंने तो इनके लिए सबसे पहले ही इसलिए तो गा दिया कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का इनाम ही नारी है, मैंने इसीलिए कि छठी माँ शक्ति देती है क्योंकि वो ब्रह्मा जी की बेटी कही जाती हैं और उनके में मतलब पूरी दुनिया समाहित है, तो आप मैं इनके लिए सबसे पहले मैंने यही बोला कि जन्म देने वाली सिर्फ औरत ही होती है, और औरत कौन है, वो छठी माँ है, चंडी है, दुर्गा है, आप कोई भी रूप ले लीजिए, ठीक है। तो बस इनके लिए तो बस उतना ही कहना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मौत पर सिर्फ विजय कौन पाता है, वो सिर्फ एक औरत पाती है, और दुनिया में किसी के पास इतनी शख्सियत नहीं है कि वो मौत पर विजय पाए, एक औरत होती है जो मौत पर विजय पाती है और वो है रीदा जी। और सारी औरतें जो होती हैं, एक जन्म देना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत
मुझे लगता है कि बहुत किस्मत वाली वो औरत होती है जो एक किसी को जन्म देती है। तो संरचना का अधिकार जो मिला है, या तो ईश्वर संरचना करता है या तो एक औरत करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी का कोई भी आप कुछ मुझसे उसकी परिभाषा आप कुछ भी बोल नहीं सकते, बस आप ये स्वरूप देखिए, बस उसके बाद कुछ भी नहीं बोलना है। जय श्री राम। आप सभी ने देखा है मैंने कैसा कैसा पढ़ा हुआ, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी, और आज प्रोग्राम फाइनली प्रोग्राम हो चुका है। बहुत अच्छे से हुआ, सभी के सपोर्ट से हुआ, और बहुत बच्चे सभी बहनों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन इतना ही है, जिन्होंने मेरे से संघर्ष करवाया और जो करवाने चाहते थे मुझे नहीं लगता है करवाना चाहिए था, आज उन्हीं के मुंह पे बल गिरे हैं ये लोग। मुझे लगता है इन्होंने देख लिया है, और मुझे एक बात बोला भी गया, अगर बीजेपी है तो जय श्री राम आएगा। मुझे यही कहना है, मेरा नाम रिधा रशीद है, रिधा असगर रशीद है। अगर जय श्री राम अगर हमारे देश का नारा है या हमारे भगवान है तो अल्लाह भी है, और मैं अल्लाह को मानने वाली हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी धर्म का अगर कोई भी त्योहार हो उसको धर्मों में बांटो, हमारे देश का त्योहार है करके वो त्योहार हमें मनाना चाहिए, और मैं हमेशा मनाते रहूंगी। तो मुझे लगता है ये धर्मों में बांट के जो आके करके जाते हैं मंच पे, धर्म का मंच था, भक्तों का मंच था, हम भक्ति में थे, सभी भक्ति में थे, भक्ति में मदन थे, सब सामने भी भक्ति में मदन थे, पीछे भी भक्ति में मदन थे, लेकिन आके जिस तरीके से बोले हमको तो मंच मिलेगा तो हम सिर्फ राजनीति करेंगे। अगर राजनीति करना है तो मुझे तलाव पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है आपने राजनीति भी नहीं करी, ना ही अपने भक्तों का मान सम्मान भी रखा। अगर मान सम्मान रखा होता तो भक्तों का इस तरीके से अपमान नहीं करते आप लोग। तो ऐसा है कि अगर मुझे तलाव पे आना पड़ा तो आप लोगों की गलती के वजह से, ये किसकी गलती है ये आप देखिए। लेकिन मुझे लगता है भक्तों के बीच में रहोगे तो भक्त बनेंगे, तो ही आपको भगवान और अल्लाह ध्यान देंगे आप पे। नहीं तो आज जैसी हालत हुई मुझे बोलना पड़ा, इसी तरीके से आगे भी बोलूंगी और चुप नहीं रहूंगी। कोशिश करके देख लीजिए, आज इस बार भी कोशिश किया है आप लोग ने अच्छे से, आगे भी करिए। ईश्वर उसी को जिम्मेदारी देता है ना जो उसको पूरा निभाने की ताकत रखता है। तो नथिंग, कुछ भी नहीं, जो लोग इतना जो भी कुछ कहते हैं, मुझे हालांकि किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार सबका होता है, लेकिन मुझे इतना पता है जैसे आपने बोला कि इतनी परेशानी आई है, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जो परेशान करने वाले होते हैं ना तो वो ईश्वर ही द्वारा भेजे गए होते हैं, कि इसमें कितनी सहन शक्ति है, कितना पेशेंस है, आप कितना तक जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज मैं 15 साल से जगराते ही कर रही हूँ, सब जानते हैं मुझे। तो मैं वही सोचती हूँ कि ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो पूरी ताकत से उसको मतलब पूरा करने की कोशिश करता है। तो आपने वो कोशिश की है और आपकी कोशिश कामयाब हो गई है। बस जय छठी मैया, बोले छठी मैया की। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर छठ पूजा को लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया था, दरअसल ये कार्यक्रम आज यहाँ पर सम्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि सारा विवाद जो है यहाँ पर इस तालाब के सुंदरीकरण को लेकर हुआ था, और ये इस तालाब का सुंदरीकरण भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दीवार है इस पर पूरी पेंटिंग के जरिए एक से एक कलाकृतियां चित्र बनाई गई है, और लाइटिंग वगैरह भी आज छठ पर्व पर लगाया गया था, और उसके तालाब के जस्ट बाजू में ही ये मंच बनाया गया था जहाँ पर भोजपुरी के कलाकार पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों का मनोरंजन किया। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई।